नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में इन दिनों कॉलेजों के क्रमवार चुनाव के चलते आज यूपी कॉलेज का चुनाव सम्पन्न हुआ। काफ़ी घमासान में कुछ हिंसक सूचनाएं आई, परंतु ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ सामने, और सकुशल और प्रशासन के सहयोग से इस चुनाव को संपन्न कराया गया। छात्रों के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करना है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, हर एक चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म हो, ई लाइब्रेरी हो, ई सेंटर हो, ई कॉमर्स हो, बाकी बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन के टीम में एजुकेशन के रिलेटेड उसे बढ़ाना, प्रोग्रेस देना है। बाकी मेरा एक ही मोटो है, वादे रहेंगे छात्रों की, उस पर मैं काम करूँगा, यही बस मेरा वादा। आपसे बहुत उम्मीद लगाकर आपको विजय किए हैं जी, उनके घंटा खड़े नहीं उतरेंगे छात्र? नहीं, खड़े नहीं उतरने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, आई नो माई लिमिट्स टू कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, किसी चीज़ को कहाँ लाया जाए, क्यों लाया जाए। तो क्या नया चीज़ करने वाले हैं आप? तो नया चीज़ है कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी को और थोड़ा इंक्रीज करना है और उसे इम्प्रूव करना है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो BSc बाकी एनुअल एग्जामिनेशन जो सिलेबस होता है, सिलेबस पैटर्न को चेंज करना, जो नए कंटेंट इन्वायरमेंट में आए हैं उन्हें ज़रूर से ऐड कराना है। और एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए ICR का एफिलिएशन बहुत ही कंपल्सरी हो गया। थैंक यू। मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी है, मैं नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, हालांकि मुझे शुरू से उम्मीद थी मैं जीतूंगा, और हमारे जितने भाइयों बहनों का प्यार मिला है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ के छात्र संघ चुनाव का जो लेवल है, सिंह है, मैं नवनिर्वाचित महामंत्री हूँ, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, और मैं आप लोग के माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपना मत दिया है, उनके मत का मैं सही उपयोग करूँगा और कॉलेज का मान सम्मान गौरव हमेशा बढ़ाऊँगा। शुभम सिंह मैं। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।